हेलो दोस्तों, नमस्कार। के पीटीचे अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीटीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे, जो कि सीटर पूछक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटर पूछक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़े धुंधले हैं, दिखाई नहीं होंगे, फिर भी क्वेश्चन है। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लगाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को, फर्स्ट ऑप्शन है, उन बच्चों के पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। सेकंड है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। थर्ड, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। फोर्थ है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अपने चिंतन अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक शिक्षिका को किस प्रकार से सक्षम बनाने की जरूरत है बच्चों को या शिक्षार्थियों को। तो जैसे कि अभी बात करते हैं, यदि कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाना चाहती है तो उन्हें सक्षम बनाना चाहिए, तो शिक्षक को चाहिए कि वह स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्यान दें और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करें। तो आंसर इज द करेक्ट वॉइस अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम वीडियो मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है, याद करना, प्रत्यक्षमण और सुनना। सेकंड है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। थर्ड है, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। फोर्थ है, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो जैसे क्वेश्चन बोला गया है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियता बढ़ाने के लिए कौन सा अर्थ है या सक्रिय संबद्धता का क्या अर्थ है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ हो गया, चल कोई नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि प्राथमिक कक्षा के बारे में सक्रियता संबद्धता बढ़ाने का अर्थ पूछा गया है, तो जैसे कि बात करते हैं प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा कक्ष के अधिगम में या संबंध में प्रतिक्रियाओं से अभिप्राय यह है कि कक्षा के शिक्षण दौरान छात्रों की जांच पड़ताल करना, उनसे प्रश्न पूछना और बात व्यवहार के लिए प्रेरित करना इज द बेस्ट होगा। तो आंसर इज इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होता हमारा थर्ड, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा गलत जगह मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, सही कर देंगे इसे, आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, में चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिलती रहेगी। क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। सेकंड है, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। सेकंड है, अपनी रुचि से। फोर्थ है, पुरस्कार के लिए। थर्ड है, अपनी रुचि से। तो जैसे कि बच्चे सर्वाधिक सृजनशील होते हैं कौन सी गतिविधि अपनाने के लिए, तो जैसे बात करते हैं बच्चे जब सृजनशील होंगे तो वह अपने स्वयं बेहतर तरीके से सीखें और तब वे ज़्यादा सृजनशील होते हैं जब किसी गतिविधि को स्वयं रुचि लेते हैं। तो आंसर द करेक्ट वॉइस इसके अकॉर्डिंग अपनी रुचि से थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इससे या इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है परेशानी, सेकेंड है समस्या, थर्ड है संसाधन, फोर्थ है बाधा। तो क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में अधिकांश जो कक्षाएं होती हैं वो बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक के किस रूप में लेना चाहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं कि बहुभाषिकता भारत में भाषा परिदृश्य का एक विशिष्ट लक्षण है, इससे शिक्षक को चाहिए कि वह इसका उपयोग संसाधन के रूप में करें। तो आंसर द करेक्ट हो जाएगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। सेकंड है, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक हैं। थर्ड है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। फोर्थ है,
कठोरता से निपटना चाहिए। जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई जो गलतियां और त्रुटियां होती हैं वो किस प्रकार से है, तो शिक्षार्थियों द्वारा जो की जाती गलतियां हैं और त्रुटियां हैं उनकी चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आंसर इज करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड, उनके चिंतन और समझने के अवसर में देखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, सेकंड है पेवलव, फोर्थ थर्ड है यंग, फोर्थ है प्याजे। तो ये यहाँ पे एक विचार दिया गया है कि बच्चे जो सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हुए हैं जो कि संसार के किस बारे में बात करते हैं, जो सिद्धांत रचना करते हैं, तो किसके अकॉर्डिंग विचार दिया गया है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर, बच्चे सक्रिय निर्माता ज्ञान और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के विषय में आने वाले सिद्धांतों की रचना करते हैं, यह विचार दिया गया है प्याजे के अनुसार। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, सेकेंड है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, थर्ड है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, फोर्थ है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो जब इसे क्वेश्चन पूछा है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा शास्त्र से हमारा तात्पर्य बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना होता है। तो आंसर इज करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिलती रहेंगी आपको। तो क्वेश्चन देखेंगे, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, सेकेंड है कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखेंगे, थर्ड है उस पर एक भाषण लिखकर, फोर्थ है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जटिल परिस्थितियों में संशोधित शिक्षक है जो अपने बच्चों को सहायता कर सकती हैं। तो जैसे कि बात करते हैं अभी जटिल परिस्थितियों को संशोधित करने के लिए शिक्षक कार्यों को छोटे हिस्सों में बांट दें तो बच्चा और निर्देश दें लिखकर, तो बच्चा क्या आराम से उस कार्य को कर सकता है या उसकी हम शिक्षक सहायता कर सकता है। तो आंसर इज करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहें साथ ही साथ में और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें। विद्यार्थियों से यह अपेक्षा रखना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें उसे ग्रहण किया है, फर्स्ट ऑप्शन अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, सेकेंड है एक प्रभावी आकलन युक्ति है, थर्ड है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते, फोर्थ है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो उसे क्वेश्चन बोला गया है कि शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिससे वह ग्रहण कर सकता है, किया जाता है। तो जैसे कि अगर यह भी बात की जाए कि व्यक्ति ज्ञान को ज्यों का त्यों का पुनः उत्पादित नहीं करते क्योंकि उनमें अनुभवों का मिश्रण होता है और शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना भी ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत करें जिस रूप में उन्हें उसे ग्रहण किया था तो समस्यात्मक है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम वीडियो मिलती रहेंगी। अगर क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेश्चन का सॉर्ट आउट किया जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, फर्स्ट ऑप्शन है बेहतर होता है, सेकेंड है स्तर रहता है, फोर्थ है अवनत होता है, सॉरी थर्ड है ये अवनत होता है, फोर्थ है समान रहता है। तो क्वेश्चन वो कह रहा है कि जब शिक्षार्थी समूहों में सीखते हैं, समूह किसी समस्या का चर्चा करते हैं, किसी समस्या पर चर्चा करते हैं तो उनका जो अवसर दिया जाता है तो उनका सीखने का वक्र किस प्रकार से होता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं
जब शिक्षार्थियों को समूह में सीखने के पर या समस्या पर चर्चा करने के अवसर दिए जाएंगे तो उनके सीखने का बक्कर क्या है बेहतर होगा। तो आंसर इसका हमारा करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने के अनुमान करती है। फर्स्ट ऑप्शन है एडी से चोटी, सेकंड है अव्यवस्थित, थर्ड है अप्रत्याशित, फोर्थ है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो यहाँ पे विकास की एक के बारे में पूछा गया है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या भिन्न होती है तो नमूने का अनुमानित करती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे कि हम बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है और यह एक क्रम से व्यवस्थित एक क्रम में व्यवस्थित नमूनों का अनुगमन करती है। तो आंसर इज द करेक्ट वॉइस का अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते रहे साथ ही हाथ में। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। सेकंड है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। थर्ड है विकास एक कल आयामी है। फोर्थ है विकास पृथक होता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास के निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है तो यहाँ पे बात करते हैं विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होती और विकास एक आयामी नहीं होता है बल्कि विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है या रोल प्ले करती है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड। विकास एक सामाजिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। फर्स्ट ऑप्शन है वातावरण के प्रभाव के कारण, सेकंड है जन्मजात विशेषताओं के कारण, फोर्थ है सॉरी थर्ड है वंशान क्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण, फोर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो क्वेश्चन बोला गया है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर वंशान क्रम जहाँ हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है वहीं वातावरण हमें क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। तो उन व्यक्तियों में या अतः व्यक्तियों में एक दूसरे में या एक दूसरे से भिन्नता अनुक्रमण वंशानुक्रम वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। तो आंसर इज द करेक्ट वॉइस के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण, सेकेंड है रोमांचकारी, थर्ड है मुख्य, फोर्थ है गौण। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका होती है। तो जैसे कि बात करते हैं बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार एक मुख्य भूमिका निभाता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों का मत यह भी है कि परिवार ही वह पहली संस्था है जो बच्चे को शिष्टाचार एवं नैतिक विकास की शिक्षा देकर उसे योग्य व्यक्ति बनाती है। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर इज करेक्ट होगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो यहां पे सही मिलान का जोड़ा पूछा गया क्वेश्चन में, देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है मूर्त सक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, सेकंड है औपचारिक सक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, थर्ड है शैशवावस्था तर्क का अनुपयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, फोर्थ है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था पूर्व संवाहित बच्चा निगमनात्मक विचार। तो इसमें से सही मिलान पूछा गया है। तो यहां पे बात करते हैं सही मिलान के बारे में कि मूर्त सक्रियात्मक बच्चा अधिगम प्रक्रिया में साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है जो कि आंसर का करेक्ट हुआ हमारा यहां पर फर्स्ट, मूर्त सक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है या उसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्यात्मक विचार, सेकेंड है अहम केंद्रित चिंतन, थर्ड है कार्य कारण, फोर्थ है विपर्यान चिंतन। तो जैसे कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो किस प्रकार की समझ को प्रदर्शित किया जा रहा है बच्ची के अनुसार। तो जैसे कि अभी बात करते हैं, यदि एक बच्ची यह कहती है कि धूप में जल्दी कपड़े सूख रहे हैं
तो वह कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रही है क्योंकि उसे कपड़े सूखने के तरीकों का ज्ञान है। तो आंसर इज द करेक्ट वॉइस के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के। फर्स्ट ऑप्शन है मात्रा प्रकार, सेकंड है आकार मूर्त परकता, थर्ड है प्रकार मात्रा, फोर्थ है आकार किस्म। तो क्वेश्चन बोला गया है कि प्याजे के अनुसार जो बच्चों में चिंतन वयस्कों के अनुसार किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं कि प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से या वयस्कों में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, क्योंकि वयस्क एवं बच्चों के सामाजिक अनुभव में अंतर होता है, वयस्कों में समाजीकरण का स्तर अधिक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा थर्ड, प्रकार और मात्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर साथ ही साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुबोधन और संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, सेकंड है विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, थर्ड है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, फोर्थ है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है, तो आधारभूत सहायता का एक उदाहरण पूछा गया है। तो जैसे कि बात करते हैं अनुमोदन और संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना आधारभूत सहायता के उदाहरण है। तो आंसर इज द करेक्ट वॉइस अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिलती रहेंगी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है जब पुनर्वरण प्रदान किया जाता है, सेकंड है परिपक्व होने से, थर्ड है अनुकरण से, फोर्थ है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वाइगोत्स्की जी के बारे में पूछा गया है। तो जैसे बात करते हैं, हमने क्वेश्चन में कई बार बात भी की है वाइगोत्स्की जी जो सामाजिक से रिलेटेड बात करते हैं, समाज से जुड़ी हुई बातें करते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चा जो सीखता है अपने इन्वायरमेंट में रह के, अपने समाज में अपने समुदाय में रह के अच्छी तरह से अनुकरण के माध्यम से या सीख जाता है या अपने समवयस्कों से सीखता है। तो जैसे कि हम बात करेंगे वाइगोत्स्की का विचार था कि बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा यहाँ पर फोर्थ। देखो यहाँ पे वयस्क का मतलब है अपने साथ के सदस्यों से, या समवयस्क मतलब अपने साथियों से साथ में परस्पर क्रिया से या संबंधों से रहकर वहां पे सीखता है सातवां। तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल संगणक विकास के चरण, सेकंड है शारीरिक विकास के चरण, फोर्थ है संवेगात्मक विकास के चरण, सॉरी थर्ड है फोर्थ है नैतिक विकास के चरण। तो यहाँ कुहल वर्ग ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो जैसे कि बात करते हैं क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा, क्वेश्चन में कई बार कुहल वर्ग के बारे में आया भी है। कुहल वर्ग ने जो बात की है, कुहल वर्ग द्वारा नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया कि नैतिक विकास के सिद्धांत को तीन स्तरों पर भी बांटा है और छह चरणों में बांटा है, प्रत्येक चरणों को दो दो चरणों में भी बांटकर अध्ययन किया है। तो आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते साथ में। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी उसे उन्हें याद करने को कहा जाता है, सेकंड है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, थर्ड है एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, फोर्थ है एक कक्षा जिसमें विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो जैसे क्वेश्चन बोला रहा है कौन सी स्थिति ऐसी है जो कि बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा कक्ष का प्रदर्शन कर रही है। जैसे कि चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, जैसे कि बात करेंगे कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठी हैं और शिक्षिका उसमें बारी बारी से जा रही है समूहों में, वह स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो आंसर इज द करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि है, फर्स्ट ऑप्शन है सामर्थ्यों का एक समुच्चय,
सेकंड है एक अकेला और जातीय विचार, थर्ड है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, फोर्थ है एक विशिष्ट योग्यता। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में बुद्धि क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है। तो जैसे कि बात करते हैं बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, अर्थात बुद्धि व्यक्ति की वह युक्ति और समग्र क्षमता होती है जिसके द्वारा वह उद्देश्यों का यह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है। इसके अकॉर्डिंग आंसर द करेक्ट होगा हमारा फर्स्ट, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, फर्स्ट ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण, सेकंड है अहमहत्वपूर्ण, फोर्थ है थर्ड है अति संवेदनशील, फोर्थ है निरपेक्ष। तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाषा विकास के प्रारंभिक बचपन काल, प्रारंभिक बचपन क्या काल है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप बोल सकते हैं कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक काल किस प्रकार का है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल होता है क्योंकि भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है और यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही शुरू या प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि बच्चा जैसे जन्म लेता है वो अपने परिवार में आता है और परिवार के सदस्यों के संपर्क में आता है जहाँ से भाषा सीखना स्टार्ट कर देता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर करेक्ट होगा थर्ड, अति संवेदनशील काल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी है, फर्स्ट ऑप्शन है जातीय भेदभाव का परिचायक है, सेकंड है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, थर्ड है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, फोर्थ है लड़कियों पर लड़कों की जैव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक कहता है कि लड़के बनो लड़कियों की जैसा व्यवहार मत करो, तो यह किस प्रकार की टिप्पणी है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है इस प्रकार की टिप्पणी, तो आंसर इज द करेक्ट होगा हमारा थर्ड, लड़के और लड़कियों की रूढ़िबद्ध धारणा का प्रकट करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकलन, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को लेवल करने या नाम देने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है, सेकंड है बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, थर्ड है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, फोर्थ है सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है आकलन क्या है, आकलन के बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा या एनसीएफ 2005 के अनुसार आकलन का प्रयोजन निश्चय ही सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं सामग्री में सुधार लाता है, अतः आकलन सीखने में एक सुधार तरीका है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं सीखने में सुधार का एक बेहतर तरीका है, तो आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, फर्स्ट ऑप्शन यहां पे यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, सेकंड है यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं सीख सकते, कुछ ही नहीं सीख सकते, इस प्रकार से दिया, थर्ड है यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, फोर्थ है यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। जैसे क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा कथन है जो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो यहाँ पे बात करती है समावेशन के बारे में, समावेशन एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो आंसर इज द करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड, यह एक दर्शन है
कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। आंसर इज करेक्ट हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखते हैं, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, सेकेंड है उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, थर्ड है उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, फोर्थ है उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो जैसे क्वेश्चन बोला गया है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चे हैं तो शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो जैसे कि अभी बात करते हैं, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान कराने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करें। जैसे कि आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और कक्षा में होने वाली चर्चा में उन्हें शामिल करें। आंसर करेक्ट होगा हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निरुक्तता की पहचान करता है। फर्स्ट ऑप्शन है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना या मूड स्विंग्स, सेकंड है अपमानजनक व्यवहार, थर्ड है बी को डी, वॉज को सॉज और 21 को 12 लिखना, फोर्थ है कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। जैसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निरुक्तता की पहचान है ये कराता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर कि किसी बच्चे की मानव भाव की जल्दी जल्दी बदलना या विचारों से उसकी अधिगम निरुक्तता की पहचान की जा सकती है या अधिगम निरुक्तता की पहचान के साथ है। तो जैसे कि बात कर सकते हैं कि कोई बच्चा है उसके मानव भाव क्या जल्दी जल्दी बदल जाते हैं या उसका सीखने का तरीका क्या है, तुरंत कहता है अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, फिर बाद में कहता है मैं खाना खाऊंगा या फिर कहता है मैं पढ़ूंगा या उसके क्या तुरंत क्रियाकलाप क्या उसके चेंज होते रहते हैं, तो इस प्रकार के बच्चे की अधिग्रम निरुक्तता वाली पहचान होती है। तो आंसर इज करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना या मूड स्विंग्स या कहते हैं मूड चेंज हो जाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें साथ ही साथ में। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, फर्स्ट अपने बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, सेकंड है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, थर्ड है उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, फोर्थ है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि एक बच्चा है जो कि आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब देख सकता है मगर आंशिक रूप से, मतलब कम देख सकता है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो मैं किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी है इस पे। तो जैसे कि हमें बात करती है कि एक जो दिव्यांग बच्चा है या आंशिक रूप से देख सकता है, विद्यालय प्रबंधन को उसके लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए जिससे कि वह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह नियमित विद्यालय से रूप में आए या नियमित रूप से विद्यालय आए। तो आंसर इज करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे फोर्थ, जैसे कि विशेष प्रकार से प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक कर दें साथ साथ में। सीखना, फर्स्ट ऑप्शन है सीखने वाले की संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, सेकंड है संवेगों से छीड़ संबंध रखता है, थर्ड है सीखने वाले की संवेगों से स्वतंत्र है, फोर्थ है सीखने वाले की संवेगों से प्रभावित होता है। तो यह क्वेश्चन पूछा है कि सीखना किस प्रकार से प्रभावी होगा या सीख है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, सीखना सीखने वाले के संभवों से प्रभावित होता है क्योंकि व्यक्ति जीवन में बहुत सी बातें सीखने और बहुत से कार्य करते हैं। कभी कभी जब हम कोई नया कार्य करते हैं तो ऐसा लगता है कि इस नवीन कार्य को पूरा करने या सोचने में कुछ पहले सीखा हुआ ज्ञान अनुभव काम में आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट होगा हमारा फोर्थ, सीखने वाले संवेगों को प्रभावित
करता है, क्योंकि ये हमारी परस्पर अंतःक्रिया होती है। जैसे हम कोई चीज़ पहले सीख लेते हैं तो उनके अनुभवों के अकॉर्डिंग हम आराम से कोई दूसरा कार्य कर सकते हैं। दोस्तों हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ब्लैक आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन माध्यम से वीडियो मिलती रहेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।